हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिखाऊंगे आपको फुटबॉल लिली का बल्ब कैसे ग्रो करते हैं, किस तरह से उसकी मिट्टी तैयार करनी है और किस तरह का पॉट हमें लेना है, कितने साइज का, तो वो सब आपको इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो ये देखिए, इसकी मिट्टी मैंने बना ली है तो इसमें आपको मैं दिखा देती हूँ। तो फुटबॉल लिली दोस्तों फरवरी मार्च में ग्रो किया जाता है। फरवरी मार्च में तो ये एक बल्बस प्लांट होता है दोस्तों। इस तरह के बल्ब आपको इस टाइम पर नर्सरी में मिल जाएंगे फरवरी मार्च में। तो ये देखिए, और 15 से 20 रुपए में इसका बल्ब आपको मिल जाएगा, 30 रुपए तक का भी। और बल्ब जब आप लें तो हेल्दी से हेल्दी बड़े से बड़ा बल्ब लें आप। ये देखिए, इसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया है। मैं इसका लाई थोड़ा छोटा था, ये तो इसका साइज़ देखिए बहुत ही अच्छे से हेल्दी सा बल्ब हो गया है ये पूरा। तो ये फरवरी मार्च में लगाया जाता है दोस्तों। तो ये गर्मियों में फ्लावरिंग करता है और फुटबॉल की तरह इसका फ्लावर होता है। 2 से 3 से 4 फ्लावर इसमें खिलते हैं और एक बार जब इसका फ्लावर खिल जाता है तो कई दिनों तक रहता है, 15 से 20 या 30 दिनों तक भी इसका फ्लावर रहता है। वो बहुत सुंदर लगता है, रेड कलर का इसका फ्लावर होता है, बिल्कुल बॉल शेप की तरह। और आप जानते भी होंगे शायद, तो मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ। तो इसको इस टाइम पे आप ग्रो कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा टाइम है इसको ग्रो करने का और 1 से 1.5 महीने में आपको ये फ्लावरिंग दे देगा। तो मिट्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें मैंने लिया है 80% मैंने मिट्टी ली है और 10% इसमें मैंने कोकोपीट लिया है और 10% इसमें मैंने खाद ली है, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद कोई भी आप ले सकते हो। थोड़ा सा मैंने इसमें किचन वेस्ट भी मिला दिया है, किचन वेस्ट कंपोस्ट। और देखिए, थोड़ा सा मैंने एक मुट्ठी के बराबर इसमें मैंने चारकोल के टुकड़े डाल दिए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे से, क्योंकि ये वेलड्रेन मिट्टी को वेलड्रेन भी रखेगा, थोड़ा सा मॉइस्चर भी होल्ड करके रखता है, मिट्टी को भुरभुरी पोरस बनाता है ये, और कोई भी फंगस वगैरह इसमें नहीं पनपती है। तो बल्बस प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा मैंने डाला इसमें फंजीसाइड। तो अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं है दोस्तों तो आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हो, और हल्दी नहीं है तो इस तरह से आप राख या आप कोयला भी इसमें कूट के थोड़ा बारीक करके डाल सकते हो, तो वो एंटी फंगल का ही काम करता है। तो इस तरह से इसकी मिट्टी मैंने तैयार करी है। और ये देखिए दोस्तों, पॉट इसका 8 इंच या 10 इंच का पॉट आपको लेना है, इससे बड़ा या छोटा नहीं लेना है। तो इसके होल को कवर करने के लिए देखिए मैंने इसमें डाल लिए थर्माकोल और इसके नीचे मैंने डाला है थोड़ा चारकोल भी डाला है। तो अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो स्टोन या पत्थर वगैरह ईंट के टुकड़े अगर इसमें आप डाल सकते हो, होल को कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं तो हमेशा या तो कोयले से या फिर थर्माकोल से ही पॉट के होल को कवर करती हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है होल को कवर करना। तो ये देखिए, इसमें मिट्टी मैंने मिक्स कर ली है पहले ही, तो इसको अब हम इसमें भर लेंगे तरह से। और 8 इंच या 10 इंच का पॉट ही आपको लेना है और एक पॉट में आप 2 बल्ब लगा सकते हो दोस्तों। मेरे पास एक ही है तो मैंने एक ही लगाऊंगी। तो अभी थोड़ा कम कर लेती हूँ, मिट्टी ज़्यादा हो गई है इसमें। तो ये देखिए, इसके रूट्स कितनी अच्छे से बनी हुई है, ये देखिए। तो आप जब लाओगे तो इसमें रूट्स नहीं होंगी दोस्तों, वो बिल्कुल बल्ब नीचे सारी रूट कट होंगी, ये इससे आपको मिलेगा बिल्कुल, यहाँ से पूरा नीचे की रूट्स आपको नहीं मिलेंगी, हल्की हल्की सी रूट होती हैं। जब आप इसको मिट्टी में लगा दोगे तो अपने आप से ग्रो होने लग जाएगा, मिट्टी में अपनी जड़ें छोड़ देगा। तो ये देखिए, ऐसे आपको रखना है बल्ब को, साइड से मिट्टी आप हमें डाल देनी है बस। ये देखिए बल्ब को,
को ढक देना है हमें बिल्कुल, और ये जो इसके नोक होते बिल्कुल इसका स्टेम के, इसको हमें बाहर रखनी है। उसमें हल्की सी आती है, जब आप बल्ब लाओगे ना तो आपको दिख जाएगा उसमें, तो बल्ब को बिल्कुल टेम ढक लेना है। और ये जो इसका नोड एरिया है ऊपर का, इसको हमें उस मिट्टी के ऊपर रखना है और इसको अच्छे से पानी दे देना है अब। और दोबारा इसमें पानी जब भी दे दोस्तों, जब इसकी मिट्टी ऊपर की लेयर सूख जाए, ज़्यादा पानी नहीं देना, नहीं तो आपका बल्ब ख़राब हो जाएगा। और इसमें मैंने थोड़ा बोन मील भी डाला है, बोन मील की जगह, बोन मील तो मैं यूज़ नहीं करती, उसकी जगह मैंने स्टोन डस्ट डाला है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फास्फोरस जिंक वगैरह होता है, तो वो बल्बस प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास स्टोन डस्ट नहीं है, बोन मील भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप इस तरह की मिट्टी भी आप बना के इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें अब हम पानी दे देते हैं, ज़्यादा पानी नहीं देना है, एक बार में हमें बस स्टार्टिंग में हमें जब लगाना है अच्छे से पानी दे देना है, इसकी जड़ों तक पहुंच जाए नीचे। तो बस दोस्तों इस तरह से आप भी इस टाइम पे फुटबॉल लिली का बल्ब ग्रो कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय दोस्तों।